हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप हल्दी के प्लांट के जो प्लांट्स होते हैं वो आपने पॉट में या फिर ज़मीन में लगा कर, और जैसे हल्दी की सीड्स आते हैं उसे ही हम उगा के आपको बताने वाले हैं, और उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आपके प्लांट को भी मिले और आपको हल्दी की हार्वेस्ट भी मिले, वो दोनों आपको किस तरह मिल सकते हैं वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हल्दी के फ़ायदे उठाने के लिए आपको पहले हल्दी के पौधे उगाने हैं। उसके लिए आपको जो मार्केट में ऐसे हल्दी के आते हैं वो हल्दी के आपको सीड्स लेके आने हैं। हाइब्रिड भी लेके आ सकते हैं, या फिर जो मार्केट में आ जाते हैं फ्रेश हल्दी के सीड्स उनको भी आप लेके आ सकते हैं। पर जो फ्रेश सीड्स होते हैं उनको उगने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और अगर आप मार्केट से हाइब्रिड सीड्स लाते हैं तो वो बहुत जल्दी उग जाते हैं। तो आप अपनी मिट्टी में डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो आपको ऐसा छोटा सा गड्ढा करना है और उसमें इसे दबा देना है। बस जैसे आप इस प्लांट की केयर लेते हैं वैसे आपको इसकी केयर लेते रहना है, इसको भी कंपोस्ट डालते रहना है, ज़्यादा मिट्टी के अंदर मत दबाइए। और फिर देखिए थोड़ा एक महीने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगता है, और ये जो है एकदम परफेक्ट हल्दी का पौधा बन जाता है। और इसके फ़ायदे आप कब तक उठा सकते हैं, ये जो है जड़ों के पास लगाइए इसके। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर जो सीजनल प्लांट्स आते हैं, ये खास जो सीजनल प्लांट्स आते हैं जैसे सर्दियों वगैरह में भी बहुत सारे सीजनल से आते हैं, या फिर बरसात के मौसम में भी सीजनल प्लांट्स आते हैं, तो उनके लिए परफेक्ट रहेगा। क्योंकि सीजनल प्लांट्स कैसे हैं, उस सीज़न के लिए रहते हैं, तो आप उसके लिए इसमें हल्दी लगा के रख सकते हैं। तो फिर आपको इसके जड़ों के पास हल्दी लगानी है, और हल्दी से ये क्या करेगा, ये खुद को तो प्रोटेक्ट करता ही है, खुद के रूट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, इस प्लांट्स के रूट को भी फंगस से प्रोटेक्ट करेगा, प्लांट को भी बहुत हेल्दी बनाएगा ये। तो आएगा तो अब ये कितना उगने तक आपको रखना है वो बताता हूँ। इसके फ़ायदे तो आपके प्लांट्स को मिलते रहेंगे। जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगे कि करीब ये जो आप पौधा देख रहे इसके हाइट जितना हो जाए, फिर आपको ये जो है हल्दी वो अपने प्लांट से निकालने की कोशिश करनी है। इसे निकाल के आपको किसी भी गमले या फिर ज़मीन में लगानी है, वहाँ से फिर आप हल्दी की भी हार्वेस्ट ले सकते हैं। छोटे स्टेज पे लगाने से क्या होगा कि जो है प्लांट को फंगस से प्रोटेक्ट करेगी, पेस्टिसाइड की तरह भी यूज़ करेगी, और इंसेक्ट वगैरह है ना वो ज़्यादा मिट्टी को लगेंगे भी नहीं, मिट्टी को भी बहुत बढ़िया बना रखेगी, और जो मिट्टी को जो स्मेल आएगी ना हल्दी की वो भी ये मेंटेन करके रखेगी। और फिर ये जब हल्दी बड़ी होती है ये आप अपने गमले या फिर पॉट्स या फिर ज़मीन में लगा सकते हैं, और वो लगाने से आपको फिर फ़ायदे हैं। वो जब उगेगी और जब बड़ी हो जाएगी हल्दी, फिर आप उसके भी हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो अब ये कैसे काम करती है वो बताता हूँ। प्लांट है ये धातुरे का प्लांट है, देखिए इसको अभी कलियाँ लगे छोटे छोटे से। तो अब ये जो है हल्दी वो आपको अपने सिंपली मिट्टी में लगानी है, और फिर इसके जो रूट्स है मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने से क्या होगा, इसके न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी से हल्दी लेती है और ये प्लांट्स नहीं लेता है वो लेने लगेंगे, और फंगस से भी मिट्टी में बचाएगी, उसके रूट्स को भी फंगस से बचाएगी, और जो प्लांट की है ओवरऑल ग्रोथ वो बहुत अच्छी बना रखेगी। और अगर आप ज़्यादा केयर नहीं लेते आपके प्लांट्स की, तो फिर ये हल्दी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके ज़्यादा फायदे पाने के लिए आपको एक महीने में से 2-3 मुट्ठी गोबर खाद आपके पॉट में या फिर मिट्टी में डालनी है, और उसमें गुड़ाई करनी है और ये पत्तों वगैरह को, और इससे तो ये पेस्ट जो है ना ये हल्दी को ज़्यादा लगते नहीं है, क्योंकि ये हल्दी की स्मेल वगैरह को पसंद नहीं करते। इसलिए फिर डायरेक्टली आपके भी प्लांट्स पर कोई भी पेस्ट अटैक्स वगैरह नहीं होंगे ज़्यादातर, क्योंकि ये हल्दी आपके प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो आपको ये हल्दी ज़रूर लगानी चाहिए। कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और आपको डाउट पूछना होता है तो मेरा व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मुझे आप डाउट पूछ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ इंग्लिश और हिंदी में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सबकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।